दोस्तों मेरे चैनल भक्ति आराधना में स्वागत है। इस सातवें अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि अनन्य भाव से मुझ में समर्पित होकर मेरे आश्रित होकर जो योग में लगता है वह समग्र रूप से मुझे जनता है। मुझे जानने के लिए हजारों में कोई विरला ही प्रयत्न करने वालों में विरला ही कोई जानता है। वह मुझे पिंड रूप में एक देशीय नहीं वरन सर्वत्र व्याप्त दिखता है। आठ भेदों वाली मेरी जड़ प्रकृति है और इसके अंतराल में जीव रूप मेरी चेतन प्रकृति है। इन्हीं दोनों के संयोग से पूरा जगत खड़ा है। तेज और बल से मेरे ही द्वारा राग और काम से रहित बल तथा कामना भी मैं ही हूँ। जैसा कि सब कामनाएं तो वर्जित है लेकिन मेरी प्राप्ति के लिए कामना कर ऐसी इच्छा का अभ्युदय होना मेरा ही प्रसाद है। केवल परमात्मा को पाने की कामना ही धर्मानुकूल कामना है। श्री कृष्ण ने बताया कि मैं तीनों गुणों में अतीत हूँ। परम का स्पर्श करके परम भाव में स्थित हूँ, किंतु भोगासक्त मूल पुरुष सीधे मुझे न भजकर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, जबकि वहाँ देवता नाम का कोई है ही नहीं। पत्थर, पानी, पेड़ जिनको भी पूजना चाहते हैं, उसी में उनकी श्रद्धा को मैं ही पुष्ट करता हूँ। उसकी आड़ खड़ा होकर मैं ही फल देता हूँ, क्योंकि न वहाँ कोई देवता है न ही किसी देवता के पास कोई भोगी है। लोग मुझे कोई साधारण व्यक्ति समझकर नहीं भजते, क्योंकि मैं योग प्रक्रिया द्वारा ढाका हुआ हूँ। अनुष्ठान करते करते योग माया का आवरण पार करने वाले ही मुझ शरीरधारी को भी अव्यक्त रूप में जानते हैं, अन्य स्थितियों में नहीं। मेरे भक्त चार प्रकार के हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। चिंतन करते करते अनेक जन्मों के अंतिम जन्म में प्राप्ति वाला ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है, अर्थात अनेक जन्मों से चिंतन करके उस भगवत स्वरूप को प्राप्त किया जाता है। राग द्वेष के मोह से आक्रांत मनुष्य मुझे कदापि नहीं जान सकते, किंतु राग द्वेष मोह से रहित होकर जो नियत कर्म जिसे संक्षेप आराधना कह सकते हैं का चिंतन करते हुए जरा मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील है, वे पुरुष संपूर्ण रूप से मुझे जान लेते हैं। वे संपूर्ण ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण अधिभूत को, संपूर्ण अधिदैव को, संपूर्ण कर्म को और संपूर्ण यज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, अर्थात फिर कभी वे विस्मृत नहीं होते। इस अध्याय में परमात्मा की समग्र जानकारी का विवेचन है, अतः इस प्रकार श्रीमद् भगवद् गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में समग्र जानकारी नामक सातवां अध्याय पूर्ण होता है।